अब हम यहाँ पे कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है ई कॉमर्स स्टैंड फॉर, इसका आंसर हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। द वर्ल्ड वाइड वेब WWW वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1994। थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा इज़ एन अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का अर्ली फॉर्म क्या था, EDI था। फोर्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा इज़ द कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो इसका आंसर हमारा होगा ई कॉमर्स। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा होगा विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज सुटेबल फॉर ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के लिए हमारा बुक्स जो है सुटेबल प्रोडक्ट है हमारा। फिर हमारा छठवां क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्टी ऑफ SCM, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्टी ऑफ SCM, इसका होगा डिस्ट्रीब्यूटर, इज ए फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। सातवां क्वेश्चन होगा ऑल ऑफ द अबव, मार्केटिंग सप्लाई चेन फाइनेंस इज द फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के सारे फंक्शन है। और हमारा एट क्वेश्चन होगा द मेनली डील्स विथ बाइंग एंड सेलिंग स्पेशली ऑन ए लार्ज स्केल, हमारा इसका आंसर होगा कॉमर्स। फिर हमारा नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन होगा ई कॉमर्स हैज स्कोप देन ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस, इसका हमारा होगा नैरोअर। फिर हमारा दसवां क्वेश्चन आता है इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और सर्किटेड, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। फिर हमारा ग्यारह क्वेश्चन होगा ऑल इलेक्ट्रॉनिकली मेडिएटेड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज आर रिफर्ड टू एस, किसकी तरह रिफर करते हैं, ई कॉमर्स की तरह हम इसको रिफर करते हैं। फिर हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन होगा आर मार्केट्स लिंक्ड बाय द मॉडर्न कम्युनिकेटर नेटवर्क एंड पावर्ड थ्रू हाई स्पीड कंप्यूटर्स, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन इज ए पार्ट ऑफ द फोर इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ ई कॉमर्स, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, B2B, P2P, C2A, सारे हमारे जो लेयर्स हैं वो हमारे ई कॉमर्स में इंपॉर्टेंट हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट अमेजन एंड मंत्रा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स सेगमेंट, बी होगा B2C। द कस्टमर पे ए फिक्स्ड अमाउंट कॉमनली मंथ टू मंथ और क्वार्टरली और एनुअली, हाउ टू गेट ए फ्यू टाइप्स ऑफ सर्विसेज रिफर टू एज ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, इसका आंसर होगा सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर जो आएगा द ई कॉमर्स कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस मॉडल स्पेशलाइजेज इन सेलिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, इसका हो जाएगा ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग। इज ए रिटेल फुलफिलमेंट अप्रोच इन विच ए शॉप डजंट होल्ड द गुड्स इट सेल इन स्टॉक, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ड्रॉप शिपिंग। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है सम मार्केटर और कंपनीज चार्ज अदर कंपनीज फॉर लेटिंग देम प्लेस्ड ए बैनर ऑन देयर वेबसाइट ब्लॉग्स और प्लेटफॉर्म नोन एज द ई कॉमर्स मॉडल, इसका आंसर हो जाएगा हमारा एडवर्टाइजिंग। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा अमंग द अल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ B2B कॉमर्स विच इज द बेस्ट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन द मार्केट, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। 20th हमारा क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट इज B2C। 21 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूजर ऑफ B2C ई कॉमर्स, नन ऑफ द अबव। फिर 22 नंबर का क्वेश्चन हमारा आता है अलाउज ट्रांजेक्शन अमंग कस्टमर एंड डीलर्स थ्रू सप्लाइंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड एनी सीरीज सर्विसेज विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग अमंग द पार्टीज, इसका आंसर हमारा होगा मेटा मेडिटरी। 23 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए B2B ई कॉमर्स, नन ऑफ द अबव। 24 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है लेट द कमर्शियल एंटरप्राइज यूटिलिटीज एट द कंप्यूटर ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन टू स्पीक इमीडिएटली विद द कमर्शियल एंटरप्राइजेस यूटिलाइजेस एट द कंप्यूटर ऑफ एनी टाइम एनी अदर कंपनीज, इसका हमारा आंसर होगा EDI। 25th हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द EOQ इज इन्वेंट्री कंट्रोल इकोनॉमिकली ऑर्डर क्वांटिटी, इसका आंसर होगा इकोनॉमिकली ऑर्डर क्वांटिटी।